इस वक्त हम पहुंच आए हैं बिजनौर चेक पोस्ट पे। ये सामने पीछे मेरे नजर आ रही होगी, अभी यहाँ पे आके एंट्री करवानी पड़ती है और अपना एड्रेस और नाम पता लिखवाना पड़ता है कि ये चेक पोस्ट है वाइल्ड लाइफ वालों। अभी आके यहाँ पे मैंने एंट्री करवाई है और ये मेरे उल्टे हाथ पे ही किला बिजनौर नजर आ रहा होगा। अभी हम चलते हैं, ये किला बिजनौर आपको दिखाते हैं। ये वो उसके सतून हैं जो मेहराबे हैं जो टूट के खत्म हो चुके हैं। और ये उसका फ्रंट गेट और ये साथ एक और मेहराब और दूसरा मेहराब। अभी चलते हैं हम इसके अंदर की तरफ। किसी जमाने में ये बहुत ही खूबसूरत किला हुआ करता था, लेकिन अब यह आपको नजर आ रहा होगा कि इसकी क्या हालत है। अभी हम चलते हैं इसके अंदर की तरफ। और व्यूअर्स आपको एक और अहम बात बताते चलें कि ये किला जो है दीगर किलों की तरह ईंटों से नहीं बनाया गया, बल्कि ये एक खास किस्म के पत्थर दिखाई दे रहे हैं जो इसकी तामीर में इस्तेमाल किए गए हैं। ये उसकी बुलंदोबाला छत का मंजर और यहाँ पे इसका फ्रंट गेट हुआ करता था। ये गेट से एंटर होने के बाद ये जगह नजर आ जाती है इस तरह की, जो कि गालिबन यहाँ पे किसी जमाने में पहरेदार ठहर के अपनी ड्यूटियां वगैरह देते होंगे। ये दूसरी जानब का मंजर और ये हम इस वक्त किले से बाहर की जानब रुख करके खड़े हैं और बाहर का नजारा। अभी हम चलते हैं इसके सहन की तरफ।
के सामने इसका सिर दिखाई दे रहा है, और ये उसके जो बुर्ज बने हुए थे कोने पर कोनों पर वो सब दिखाई दे रहे हैं यहाँ पे। इस वक्त हम किले के सेहन में आ चुके हैं। और ये किला चारों तरफ से बहुत बुलंद होता था किसी जमाने में, अब भी इसकी बुलंदी आप यहाँ से देख सकते हैं, अंदाजा लगा सकते हैं। हालांकि अब ये इसकी दीवारें बहुत हद तक टूटकर गिर चुकी हैं, लेकिन फिर भी इसकी बुलंदी का अंदाजा होता है। और ये देखें इसके इस्तेमाल में जो है ईंटों की बजाय पत्थर इस्तेमाल किए गए हैं, अजीब सी कच्ची सी मिट्टी के बने हुए पत्थर टाइप इस्तेमाल हुए हैं यहाँ पे। और ये एक चबूतरा है यहाँ पे बना हुआ, क्या पता उस जमाने में यहाँ पे क्या काम लिया जाता हो इससे। ये उसको जाने वाली ऊपर जाने वाली चबूतरे की सीढ़ियां, और ये वो चबूतरा है। और इसके राइट साइड पे ये एक बिल्डिंग के आसार हैं, ये आपको नजर आ रहे होंगे। अभी चलते हैं हम पहले इस चबूतरे की तरफ, और उसके बाद हम दिखाते हैं वो बिल्डिंग सी जो नजर आ रही थी उसकी तरफ चलते हैं। ये वो चबूतरे की सीढ़ियां हम चढ़ते हुए ऊपर आ गए। हाँ जी व्यूअर्स, ये देखें ये तो बहुत डेंजरस है काम। ये तो एक कुआं है, एक इंतहाई गहरा कुआं। इस पे जाते हुए हमें खतरा भी है कि कहीं ये इस जगह बैठ ना जाए। एक बहुत गहरा कुआं, अभी हमें एक डर और खौफ भी है ये कहीं जगह बैठ ना जाए। ये देख रहे होंगे आप कि मेरी आवाज कैसे गूंज रही है यहां पे। हम नहीं जानते कि इसकी गहराई कितनी है, लेकिन इसके नजदीक जाना ज्यादा खतरनाक होगा कि कहीं ये जगह बैठ ना जाए, क्योंकि ये इन चीजों का कोई भी एतबार नहीं होता। आप जब भी कहीं जाएं ऐसी जगहों पे तो एहतियात कीजिएगा। ये जगहें जो होती हैं बहुत बोसीदा हालत में होती हैं, और ये किसी भी टाइम गिर भी सकती हैं, बैठ भी सकती हैं। जमाने में तो बिल्डिंगें वगैरह होती थी, उसकी इमारतें होती थी जिनकी अब छतें बैठ चुकी हैं।